मुहम्मद रसूल अल्लाह। सूफी जी ऐसे नहीं, तीन मरिया तो दाता अली हजरेरी सरकार रहमतुल्लाह ने तरते हाजिर होके फजर तो असर तक भी उजान देना ने खामन नू मैं रोक तो नहीं सकती, पर तारीख दी मां ऐ बदला दी गरज ते बारिश दा शोर साडे कन भी सुन रहे ने, ऐ बिजली दी चमक दा लश्कारा साडियां अखां भी वेख रही ने, पर तुसी उम्र दे उस हिस्से च पहुंच गए हो जिथे बिनाई दी ऐनक ते शीशे हर साल बदलने पैंदे ने। नवे कोट तो दादा अली हजवेरी सरकार के दर तक का पेंडा इस बारिश ने होर बता दिता है। तारीख दी मां ए पेंडा मदीने का भी हुंदा, साडा इश्क अजान नाल वेख के साडा रब सानू पर ला के उथे भी पहुंचा देंदा। सानू जान दे नमाजी सूफी शफी मुहम्मद दी अजान उड़ीक रहे ने, सानू जान दे। الصلاة خير
मत्तू जेड़ा वकार देंदा वैरियां दे सत्तू ओए ना पक्षा किथे गया तेरा नारे मारता है जलूस ओए जालमो साडे जुल्म दा कलेजा एक बेगुनाह दे पुत्र दा खून पी के भी नहीं रचिया ओए पुटिया जो कोई अपने मोटिया से अपने पुत्र दिया मैयर कानून के पूरे से पहुंच के एक कत्ल साडे दुश्मन उस्ताद नवे दे पाते नहीं एक कत्ल तेरे भरा मलिक हीरे ने किया अल्लाह बख्शा की बकवास पिया करना मैनू कहते ने मलिक हीरा ख्याल करो तू एक जाना देने वाले का पुत्र चल लो सिथो पहलवान जी एक बुढ़े प्यू ले जवान पुत्र की मौत तो वड्डा भी कोई दुख है रे ओए तो फेरे आख साडे भरा मलिक हीरे का कीता कतल साडे दुश्मन उस्ताद दावे दे पा देवे मैं क्या पलवान जी को ख्याल करो ऐसी केड़ी को बदमाशी वाली गल है तुसी तो बिल्कुल लड़ना ही शुरू कर दिता ओए लगदा तेनू गोलियां का चीरा दे के तेरी खोपड़ी वक्खो वक्ख करनी पड़ेगी तू सड़क से पई एक मैयत दर बदर करने वाले सूरमिया कुछ नहीं किया ते मेरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिता ही इस गल तेन थाने जाके आप ही समझ आ जाएगी मैं ते उन्हें हाथ भी नहीं लाया हालांकि वो बड़ा गरम सी ओ बड़े गरम बहुत सी तेरी मां की फोटो देख बैठे ओए ओए थाने थानेदार पुत्र आओ आओ सूफी साहब आओ बिस्मिल्ला मैं जानना सा कि तुसी अपने सिर फेरे पुत्र दे पिछे जरूर आओगे पर मेरिया नजरां च तुहाडा इन्ना इतराम ते दिल विच इन्ना अदब है नहीं 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 मैं तुहाडी जबान चो एक लफ्ज भी सुनने तो बाद शर्मिंदा नहीं होना चाहता ओए हवलदार पंगे इधरा यस सर जा जाके तारक भट्ट नूं बार कट के ते सूफी साहब दे नाल भेज दे No problem, no problem. Easy life, no problem. Open the door. और सब कह रहे सूफी साहब मेरे वास्ते भी दुआ करना कि मेरा ब्याह भी होवे मैं भी सूदी बरतना बच्चे पैदा करा लारे ला लारे ला और डांसर मारे आ बच्चे आ लारे ला लारे लारे ला
तारक पुत्र तेनू कोई कंडा भी चुपे ना ते कलेचा तेरी मां का ही नहीं दिल तेरे प्यो का भी चीरिया जाता है जिदी शराफत नू पूरा शहर सलाम करता है उस प्यो की परहेजगारी नू अपने पैरों की मिट्टी च ना रोल पुत्र मां पैदा होंगे ही जिस प्यू ने मस्जिद मंबर ते देखा है उस प्यू दियां बातां उस प्यू दी बातों में कहीं खाकिश मना सकने हैं उस साडे खून की मजबूरी समझ या अपने प्यार हुए दुध की तासीर जदों भी किसी ताकतवर का कमजोर ते जुलम वेखना साडे अंदर का तारिक पट साडे साडे बस विच नहीं रहिंदा मां बस विच नहीं रहिंदा समझाना ही है तारक दी मां ते ऐ गल समझा कि अजकल दे जमाने विच ताकतवर दा दूजा नाम दौलतमंद है अबा जी जिस दौलतमंद नूं करोड़ दा सिफरा लगदा है वो इस शहर का बदमाश बन जांदा है तारक जे तेरी अकल ने तैनू ए गल समझाई दिती है ते फिर अपने प्यो दी गल भी समझा इस घर दी निक्की जिही चार दीवारी विच शराफत लई बड़ी थां है पर किसे बदमाश नाल पाली हुई दुश्मनी दा पहाड़ चुकन लई इस घर दी छत बड़ी कमजोर है ते फेर ऐ भी सुन लै सानू अपने पुत्र तो वध अपने मत्थे दी मेहराब प्यारी है ते असी इस मेहराब नू अपने पुत्र दी बदमाशी दी कालिक नाल मिटाना नहीं चाहते लैबल गल सुनो सारे काला जजाई वाला ही कोई गल जानता वे मां प्यू दिया गाला ते क्यों खंड दिया नारा तारिक पुत्र खैर है मां जी तेरा यार ते मेरा पुत्र अपनी दोनों बहनों के ब्याह की रकम लेके किसी जुए खाने वाल टुर गया है पैंठ पचहत्तर पैंठ पचहत्तर चार नंबर का घोड़ा लगा भाई हला सारे लगे भैनों के ब्याह की जमा की रकम किस नापाक थां से लेके आ गया है किस नापाक थां से लेके आ गया है हाथ च फड़े नोट जुड़े च लगाया दाई इथे ही रहंदे तारक बाटू और मलिक मतू तेनू एक कड़क दे नोट नजर आते हैं जे गैरत की अख नाल देखिए तेना पैसा दिया लिशकों में एक मां के अथरू देखनिया एक मां से अथरू नजर आ गए खबरदार कोई अपनी जगह तो ना हिले घेरा पालो ना सारे जुआरिया के खिलाड़िया जिस सिकंदर प्राचा की शह से मलिक मत्तू ने इस शहर के हर चौक जुआखाना खोलिया एस पी साहब आप ही आके इन पूछ लेंगे रुक जाए तारक प्यू सूफी शफी ते पुत्र जुए खाने चाह के तिया पैना दी व्यारी रकम जितना थानेदार जी ऐ पैसे मेरिया पैना दे जहेज ली तो मैं दिलों दी मां दी अथरों दा हुक्म सुन के इत्थे आया वा चुप शरीफ प्यू दे बदमाश पुत्रा मैं सिर्फ ऐ वेख रहा वा कि बरामदगी दी रकम किदे किदे कोल निकल रही है सानू अपने पुत्र तो वध अपने मत्थे दी मेहराब प्यारी है ते असी इस मेहराब नू अपने पुत्र दी बदमाशी दी कालिक नाल मिटाना नहीं चाहते नहीं उठाने दावा मैं गिरफ्तारी नहीं देनी मैं अपने प्यू दे मत्थे दी मेहराब नू कालक नहीं लवानी कालक नहीं लवानी कालक नहीं लवानी ओ तारक बच ओ ले चलो
थानेदार जी मैं अपनी मां सुने भेज रहा मैं आके थाने बचा लगे थानेदार जी सुती झगड़ा फेर गया मेरे सपने दे विच आके सुती नू सुती नू सुती नू झगड़ा जनाब एक मिनट मैं जुती दे पा लैन दियो की हो गया जनाब और मैनू पिछे लाया अजे और मैनू अगे लाओ जाना देने वाले प्यो के सिर के पुत्र ने की खेल पाई है सिर्फ निकल दिया लहू वेखो तो उस एहतराम भुल जाना जेदे बदले च मैं तुहाडे इस बदमाश ते जवारी पुत्र नू थाणे तुहाडे नाल तोड़ दिता सी ओए थारे दारा अपने अमले नू लेके दो फुट पिछे चला जा अज मैं इस सूर में पुत्र नाल दो गल्लां करनियां ने पर बसी दस सूरमिया रब दे कारे च साडियां दित्तियां होईयां अज़ाना ते कीते होए सजदियां दा ए होई नाम सी तेरी गुंडागर्दी ते बदमाशी ने सानू फर्श तो चुक के फर्श ते छोड़ दित्ता बाबूजी हट ए ते हुण तू जमीन दी सतवीं तह च वी अपना मुंह लुकाइए ए दुनिया सानू एक शैतान समझ के पत्थर मारना जावे बस करो सूफी जी बस करो मैं तुहाडे वर्गे शरीफां नूं चंगी तरह जानना वा हाए तुसी पुलसां दे सामने अपने पुत्रां नूं चंडा मारो ते घर जाके घिओ दियां चूड़ियां खवा के आखदे हो कि पुलसां नूं जम्मण वालियां मावां मर क्यों नहीं जांदियां जाओ दफा हो जाओ मेरे अप्पा जी नूं किवें कह के तू चले जाओ बोल एक थानेदार दे मुंह ते तेरी अज दी इस चंड ने सानू तेरा आउण आला कल विखा दिता है हुण साडा भी हुक्म सुन लै कि असी तेरे लई अपने घर दे दरवाजे हमेशा लई बंद कर दिते ने हमेशा लई बंद कर दिते ने चेलरा लम्मे कुर्ते ते कन्ना च मुर्कियां पान वाले नू बदमाश समझ के सलामी करन वाले आ मैनू तेरे इस रूप का पता नहीं सी और बादशाह सिर्फ बाजा यह रूप ही असी जेलों निकलते ही बदल लेंगे बस तेरी माफी सिर्फ है देश क्योंकि तू इस जेल चाहन वाले किसी भी बाहू अपने हाथ च वजान वाला चलकना ना समझी तेरे हुक्म की तमील होगी बट बादशाह तारक भट्ट तेन उस्ताद लावे ने बुलाया उस्ताद लावा बच्चे
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਚੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਆਖਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਬਚੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੰਨੇ ਹੱਥ ਗੁਲੇਲ ਬਚੜਾ ਵਾਹ ਤਾਜ ਲਾਵਾ ਵਾਹ ਭਲਵਾਨ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੌਂ ਪੀਤੇ ਨੇ ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ ਅਰੇ ਹੁਣ ਵੱਟ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰੇ ਬੱਬਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਟ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲੋ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰਕਾਂ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਸਕ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਵੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਲੰਘੋ 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 ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਰੰਗੀਨ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਚਾਲੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚ ਨੱਚਣ ਉਸਤਾਦ ਲਾਵੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸੱਤ ਸੱਤ ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੀਵੀ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਹਾਫਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਰਵਾਵੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੌਲਤ ਸਵਾਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨੱਸਦਾ ਕੋੜਾ ਹੀ ਹੱਕ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਤੈਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਮੌਜ਼ਨ ਪਿਓ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜੀ ਸੀ ਕੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਛਾਂ ਚ ਆ ਗਈ ਕੱਲ ਦੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਓ ਸ਼ੇਰਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੜ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਨ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਹੱਕ ਬੀਬਾ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਹੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਲੀ ਕਲੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ ਅੱਗੇ ਟੰਡ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਾਗਿਆ ਤਾਰਿਕ ਬਖਤ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਵੇਗਾ ਚਲਾਈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਂ
तारीख बट समझेगी ना जेड़ा तेरे को दबके की दहशत नाल गर्दिश बह गया सी बट्टा ओए सौदा तेनू बड़ा महंगा पैना ही बट्टा और सौदा महंगा लइए ते दुनिया नू वखान दा स्वाद आंदा ही लिटर रखा वड्डा छिद्र दे अम्मा जी लै गए छोटा छिद्र आ गए चल फिर पहला तो शुरू हो जा शुरू हो जा सरकार मैनू इस लाल कपड़े से बड़ा वाटे मैनू कहना अम्मी नू बुला अम्मी नू बुला चल, चल। लो जी भट्ट बादशाह साहब इंग्लिश शराब का तोहफा साडे साहब ने पहली दफा अपने पैसे दे के मंगवाई सी आए भट्ट बादशाह बैग बना ते को डीक च पी जा ओ जे नचना है ते फिर कुंड काटा भट्ट बादशाह शराब का हथियार हाथ च फड़न तो बाद बदमाश जे शबावली छाणी ना साड़े ते पूरे शहर के बदमाशा की कबीना उस जवान नू महा बदमाश बनन की डिग्री नहीं देंदे और क्या शबाब हीरा मंडी बाजार दी ओ बिलो बाई जिन्ने बदमाशा का लखा खा के किसे नू जफी ते की चुम्मी भी नहीं दिती बुलियां ते की लाया सुर्खी ए सुर्खी नहीं ऐ ते आशकां दे दिलां दा खून है खैर जा बिलो मैं तेरी नजर ते ला लवां कंजरी ते मथे ते कालक लवा के अपनी नजर ला रही सी जद के बन ठंड के तैयार होन लग्या दिल दी मुराद यही होंदी है कि पूरे बाजार दी नजर ओदे ते पवे पूरे बाजार दी नजर ओदे ते पवे बिलो ए सोने से पहले तकनी ची तेरा दिल कट के लै गया
शराबी अखां दी तकनी ने साडा दिल सीने चो कट के बाहर लै गई है। रंग दिया गोरिया अज तेन चूम के तेरिया गल्लां लालो लाल कर देंगी। तू अपनी नपाक बोलियां नाल साडियां गल्लां नूं चूमिया ते साड़ी ते एक चुम्मी दा मुल पांच लाख है ते तू साड़ी चुम्मी नूं नपाक कह रहे है। जीव नूं तालू दी पुक्कल च लुका पूरा शहर जानदा है असी अजाना देने वाले एक मौसम दे पुत्तर। वाह कोठा कंजरी दा शराब को तेरा अपना आप संभालिया नहीं जा रहा। किते नशे जिथे नमाज ना नींद लई। सुन वे अज तेन साड़ी पप्पी जहर लगती है जे कल तू साडे पैरां च डिग के पप्पियां ते जफियां दी फरमैशां ना कीतियां ते बिलो ना नहीं मेरा। जाने जा यकीन कर मैं अज दी रेट बड़ी मुश्किल नाल कड्डी है। ओ साहब जी रंग च भंग पै गई जे। ओए ओए मैं तेनू कहा सी ना कि रोज नामचे च इंदराज कर दे कि मैं एक खतरनाक मुजरम फड़न शहरों बाहर गया। ओ जनाब जी अज हीरा मंडी च अग लग गई ते फिर ओए ओ तू कहना की चाहना। ओ मैं कह रहा जनाब अज शहर दे करोड़पति सिकंदर पराचा दा पुत्र हीरा मंडी पहुंच गया। चाहे पराचा तेरा बेड़ा गर्क जाए तू ते साड़ी अज दी डेट ही बर्बाद कर दिती। ओए बाजार दे किसे कंगले बदमाश ने तेनू माड़ी जी सूई भी चोब दिती ना ते एसपी साहब ने मैनू परे बाजार च नंगिया कर देना है। मुजाहद पराचा अज बाजार दिया जाग दिया बाइयों नु सवान ते सुतियां नु जगान आया है। नच दी है दुनिया नचान आला चाहिदा है। ते तुसी ओ मुजाहिद पराचा अज बोस्की बाई का आशिक साढ़े कोठे तक किवें आ गया। ओए ओए अपनी आठ दस रात का मुल दस असी उसे मुल नू सौ नाल जरब दे के तेनू अपनी दाश्ता बढ़ावांगे। पराचा जी शरीफजादियां शरीफजादियां ने सौंकड़ा जरूर बनदियां ने पर एक कंजरी कंजरी की सौंकण काटी बनती है। आ रहे हैं बोस्की आ रहे हैं।
तू जा यार प्राचा घड़ी पे चुआ नाचा मजा मजा दिया पैना ते यार यारा दे चले आंदे ने असीनु तेरी गल अपनी जुबान समझाने आ की कर रही है बोसकी है सब तो पहले इन्ना हत्था नु सजा दे रही हां जिन्ना हत्था नु हार बना के मैं तेरे गल च पाया ते तेनु अपना समझिया पर बोसकी है बोसकी दी जान कड़ लेनी सी वे मेरी जान दिया दुश्मना पर तू गोरी दे कोठे ते जाके साडे इश्क दी एहो जी अखीर कीती है के अज असी आप अपने लई मौत दी बददुआ मंगीए होश कर बोसकीए होश असी ते गोरी बाई नाल सिर्फ पंजी ती रात ही लंघा लिए सर केड़ी कोई अपनी जिंदगी ओदे नाल आ देनी सी अंजी मर्द ते होंदा ही नाता तोता घोड़ा है जी यही गल मैं तेनू कवां कि मैं अपने किसी आशिक दे नाल रात गुजार के आई हां ते औरत भी नाती तोती घोड़ी होंदी है फिर बोसकीए चल तेरी इस जान ने सानू यकीन ते दुआया कि तू अपने दरबार विच सानू अपने नाल बाएंगा सूफी शफी भट्ट साहब जिस प्यो दा पुत्तर जुए खाने जेल ते बाजारी औरतां दे कोठे ते शराब पी के दंद दलाना होवे उस पुत्तर दा प्यो जिदे जगाना देंदा चंगा नहीं लगदा लिहाजा तुहानू तुहाडे इस मनसब तों मौजूल किया जाता है असी दरबार च आए लोगों के ये ताने नहीं सुन सकते कि वह मौजन अजान दे रहे जिदा पुत्र शहर का नामी ग्रामी बदमाश बन गया तुसी ठीक है की कह रहे हो जनाब अज तुसी असर दी अजान देन तो पहले घर आ गए तारिक दी मां साडे पुत्र दी बदमाशी ने अज पहला चन्न चढ़ाया ही के साडे ते अजान देन दी पाबंदी लग गई की कह रहे हो सूफी जी जिंदगी पर अजान नाल तुहाडे इश्क नू साडे पुत्र दी बदमाशी खा गई मेरी तीन वरिया की इबादत मेरी पूरी जिंदगी नू मेरे पुत्र दी तिना दिन की बदमाशी खा गई तिना दिन की बदमाशी खा गई चाहे पुत्र साढ़े तीन दिनों ने जितना नोटिस उम्र पूरी हो गई गोरी भाई सुहाग जी से सजायो के नहीं तो गोली चला मत तू मैं आज भी रात कभी गुजारने नियत कर चुकी हूं मलिक मत तू अपनी दहशत के जोर नाल इलाके दी दरखास्तां दुआ के मेरे प्यो दी अजान बंद करिए हुण तेरियां चीकां उस वेले तक पूरा शहर सुनेगा जब तक मेरे कान मेरे प्यो दी अजान नहीं सुन गए ठहर जा बेटा ठहर जा मैं दरवेख साडी जान बख्शी कर दे जे असल वेले तेनू तेरे प्यो की अजान की आवाज ना आई ते बेशक साडियां कबरां बना दई
हम ते साव की कड़ी ने भी असर की अजाम तक ही चलना है। बट बादशाह असी तेरी जिदारी की तारीफ पूरे शहर को सुनी सी, पर तू साड़ी जान बचा के अज यह जिहा एहसान किया है कि यह पूरी जिंदगी तेरा एहसान लाने लई थोड़ी है। गौरिये जे फिर इतने योजे रंगबाज आन तो एक बार आवाज मार ली बट बादशाह लाशा के ढेर ला देगा, पर प्यार ना दाद दा बट पेश करन च एना कट अपने प्यार का जेड़ा तू चंडा साढ़े सीने च गड़िया है उस चंडे की सलामी ते लैंदा जा।
दी लाश ने रावी दे पुल ते टंग देंगा। जिन्हें मेरी जिद गोरी बाई ने रस्ते दी दीवार बन के मेरे नाल दुश्मनी का मैच पाया है। रुक जाओ मुजाहिर, तू ही कंजरी की खातिर आसमान तो छाल मार के जमीन का गल चुप के अपने सिर मारे हैं। मैं पट पिला दी उस बदमाश नूं, जदों पुत्र प्यो दे सिर ते शेर दिया ट्रैफिक जाम कर दे सर। मेरे पुत्र दे अगे अखां नीवियां ते जुबान बंद रख सिकंदर प्राचा। जी बेगम जी, मैं ते पुत्र नु सिर्फ ऐसा समझा रहा सा कि आज मैं दी जिद दे दुश्मन तारिक भट्ट नु ऐ शहर छुड़ा देंगा। तैनू मेरी कसम है मुजाहिद पुत्र, अज दी रात होर वेख ले कि तेरा प्यो अपने कमान चो केड़ा तीर छड़दा है। देख, एक रात बस। चल पुत्र। नसीब शहर का करोड़पति सिकंदर प्राचा। बिल्लो भाई, आज तू साड़ी महफिल मुजरा करना है। ना प्राचा जी ना, कदी खूह में प्यासे मगर ते मकना तीस में लोहे मगर नसद्या वेख्या जे। बिल्लो ने हर मुजरा सिर्फ अपने कोठे ते कीता है। तेरा इनकार दस रहे है कि तेरे च तारिक भट्ट का हुक्म बोल रहे है। अच्छा, हुन समझ आइए प्राचा जी, तुसी मैनू अपनी महफिल च नचा के। हाँ, उस तारिक भट्ट की ताकत का वजन वेख रहे हैं जिन्हें शहर च मेरे पुत्र ने अपनी दुश्मनी का मोर्चा खोले है। प्राचा जी, इस प्यो सोने ना ने इस पिल्लो नू होया है, हुन पुछने नहीं आ उस पट नू कि तुहाडे दर ते आके नचन नाल ओदे दिल दी किसे नार ते चीरा ते नहीं आ जाएगा। ते सोने अजे तक तेरे चंड के सेक नू प्यार करन वाली पिल्लो पाई। की लेना है? अग खाना है कि अग पीना है? जेड़ा हर वेले मुंह चो अग ही सुटता रहना है। सुन, मुजाहिद प्राचे दे जीना यारा ने तू कोड़ी बाई दे कोठे ते माजिया है। ओदे प्यो सिकंदर प्राचे ने मैनू अपनी कोठी ते मुजरे लई बुलाया है। तो जा चली जा, जा चली जा। दादी जी, मेरी ते पंजी ती लगती रात है, पर सवेर होन तो बाद तुसी अज शहर च गंदिया हो जाना है। और तू मेरी बीवी है कि मेरी दाश्ता है? की है तू जरा तेरे नचन नाल तारिक भट्ट गंदिया हो जाएगा। सोनिया, तू शराफत का बिस्तरा गोल करके बदमाशी दे जिस मनार ते चढ़े हैं, प्राचा सानू उस खारिज नचा के तेनू उस मनार तो देख के किरची किरची करना चाहता है। Thank you.
अपनी ताकत की सट नाल बिल्लों नूं नचा के सानू इस शहर च गंदिया करन दा जिहड़ा सुपना वेख्या सी अज असीं तैनू उहदी तावीज विखाईए। जी ओ शेरा तारिक भट्ट सामने इस शहर का कोई सुरमा नहीं वध हर बदमाशी कट कोला फैर या पढ़ने कन फिर लेने तो फिर अपने साथियों को कहो कि कन फर के कंध वाल मुंह कर लू कहते जुए की हार बुरी रन की खार बुरी। अज पिलो का लाल कगरा अपने इश्क की मस्ती च एहो जिहा घूमेगा एहो जिहा घूमेगा कि मजा आ जाएगा। तारे मत सजना मारे मेरा।
अपने प्यो दे कल फड़ा के बिल्लो बाई दा जेड़ा मुजरा वेखिया जुर्म दी सजा इच तेरी हयाती आला कश्मीर अज फता करके इस परे बाजार इच बदन पावांगा। ओए जे अज किधरा दा टोला शेर दा नवाला बनाई गया ते फिर तारिक बख्श एने दे सिर ते सूरज बन के चमकेगा। चाचा सूफी जे तेरे लहू दे खिच तेनू आखरी साह लेंदे पुत्तर दी लाश ते ले ही आईए ते फिर अग्गा वध के इहो जिही अज़ान दे कि जमीन ते डिग्गा पुत्तर उठ के खलो जाए। ओ भैया ए अल्लाह दा माल है जे मेरे पुत्तर नू अपने कोल बुलाना सोने रब दी रज़ा है ते फिर मैं उन्हों उदे कोल जान तो किवें रोक सकना मां। मैं चलना मां, मेरी अजान दा वेला हो गया। और मुर्दे पुत्र दी मूरत अखां विच सजा के किवें मिंबर ते चढ़ेगा, किवें तेरे संग चो अजान दी आवाज बाहर निकलेगी। पाक मोहम्मद दे प्यारे हजरत बिलाल हबशी ने अपने पिंडे दी खल नू अग विच सड़वा के अजाना दे दित्तियां सन। ए केड़ी गल है, असी अपने पुत्र नूं लहू विच डुबदा वेख के रब ते उहदे रसूल दी अज़ान ना दे सकीए। तारिक ला यार प्राचा बिल्लो भाई आ रही है। दुश्मन ने साढ़े प्यो दे कल फड़ाए ते तू रज रज के ठमके लाए। अज नच अपने यार दी आखरी इचके दे ताल ते उठ कौन सोनिया होते उठ एने नहीं उठना नच कंजरिए नच। أشهد أن لا إله إلا الله
मीच के जमीन ते विच गए सां और दुनिया सानू बट बादशाह कवे ते बट बादशाह ताडे दिते फटा दा हिसाब ला करे ए केड़ी किताब विच लिखिया है बहादुरी का रूप देख ली थे बिलो ने अपनी जिंदगी तेरे नाम में ला दी सी और अब भी आज सीने च खुशियां भी आतिशबाजी चला दी हो जवाई नु सारे कर ले जान ले आ गई ने पोस्टा बच्चे बचांदियां और कानून दिए ना पैदा ने मैनु पहली करी और लाई सी जो असि कुछ भी नहीं सी किता भैन नंगा आ गया जुत्ती ला के थले आ जाओ जटा कल भी तू साडे महल चो कूड़ा लैण तो बगैर चला गया है अज मैं तेरे पीपे च इनिया गोलियां मारांगा के तेरिया आने वालिया नस्लां भी याद रखणगियां बदबख्ता तेरी किस्मत चंगी है कि मेरे गंडासे दिया चूड़िया फेल हो गई ने और तुसी कौन आए फार्मी बदमाशो और नांगेरो मेरा मौला जट सलामाबाद गया ते मर के आया तुसी कौन आए चंगड़िया किराए ते दे लाले हो उन्हों कि मैं क्या सी जीटी रोड पर जावे मोटरवे तो क्यों नहीं गया हाँ करना पड़ा है ए मौला जट के नूरी नात ने दुश्मनी तो फारग हो गए रेड़ी से बर्फ में चढ़ने ने अमिताभ बच्चन ठंडा करके एक साढ़े जाती शौक ने सोनिया बार बार उन्हें सोने में क्या मैंने गुस्सा हो गया तनु रण दा वास्ता ही है आज मैंने ना लोगी आज मैंने दुश्मन दी एक नल एक बजा देंगा चाचा फड़ी एक मिनट की हाल है जनाब राजू भाई और चाचा जी तुसी सुनाओ अपनी अमानत फल लै मेहरबानी मेहरबानी एक गल ते दस चाचा और तेन कुहाड़ी दी कीमा करने लई तू इत्थे बदमाशी करन ने मुनासिब जे आ बदमाश मुनासिब जे आ यानी छोटे पैकेट च आजादे तेरे बड़े वड्डे ने वड्डे ने सोनिया जी करदा मैं तेरे तोते 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 करदे आ बंब जो गया पर की करा अज मंगल दे ते मंगल नु टोटे नहीं मंगल नु छोटे छोटे कर लिया कर तू अरे बिच आके बह गया लड़ना है कि ताश खेलना है और तुम्हें कभी गंडा से ना बंदा मारे है कि सुबह दरख्तों से चढ़ के मसवा कहीं लाना है रुक जाओ बदमाश हो एक कदम ना बताना ओए क्यों नो बाल आ जाएगी आप बकवास बंद करो पहले खोती का लाइसेंस चेक कराओ बहुत अच्छे सोनिया गल सुन दे गाने गा रहा साडे कागज पूरे ने मोकलियां आ लिया ओए बकवास बंद करो ते मेनू अपना अपना नाम दसो ए की नाम तेरा मैं बम जो गया सॉरी नता नता ओए अपना नाम दस तू ते जुगनू फड़ दे की नाम है तेरा मेरा ना सुल्ताना डाकू सुने है हाँ मैं भी सुने है बड़ा दलेर बंदा सी तेरा की नाम है मौला जट टीगर ऐडा औखा हुकम दसन दिया मौला जट ओए तेरा की नाम है इसे मैं तो हम तुम्हारे बाप होते हैं
एक दिन बाद बादशाह से डरते हैं। तेरी वजह तो हो रहा है। चलो थाने। थाना इतों कि दूर है सोने क्यों तेन भुख लगी है तेन दसने बांदरी दिया बचे चलो लगो अगे थाने जाके पता लगेगा कौन मारता मरदा अपनी बहादुरी का छोटा जा नजराना कबूल करो। समझ गया ऐ बड़ी पुरानी रीत है सिर नीवा करके जीन वाले नू ऐ दुनिया लतार के लंघ जाती है जिदे हाथ च हथियार आ जाए ओनू सलामा करन निकल पैंदी है। सलाम अलैकुम। सलाम बड़ बादशाह नवी जिंदगी मुबारक होवे। कोरिए तू इत्थे आहो रब साडे सज्जन नू दुनिया दी हर बला तो बचा के रखे जिन्हें साड़ी जिंदगी नू मुजाहिद प्राचा दे पेजे उदे शारां दे कैर तो बचाया है। मैं ते इको गल चाहनी हूं कि कंजरी कल शुक्रिया तो शुरू करती है फिर उसे कल नू अगले दे गल दा फंदा बना देती है। सूफी साहब पुत्र दी इन्नी जी मुलाकात आहो सानू इन्नी जी मुलाकात भी एक फाए लगन वाले पुत्र नाल एक प्यो दी आखरी मुलाकात तो वड्डी लगी है वड्डी लगी है। यह तो तुसी दस ही दिता है कि रब सोने ने मेरे पुत्र दे जिस्म में जान पा दी है इवें ते दसो कि अस्पताल चो किसी शहर की लौड़ते नहीं तारिक दी मां जिस जवान पुत्र नू मैं बाल समझ के परे बाजार चंडा मार के ऐस करूं कड़िया सी मैनू की पता सी कि ओदी शहर चेनी इज्जत होवेगी। ओदी सारी इज्जत सिर्फ तुहाडी शराफत की वजह के नाल है तुसी ओदा मत्था ते जरूर चुमिया होना है। नहीं तारिक दी मां नहीं इसलिए कि वो इर्द गिर्द कंजरियां की बहार सी कंजरियां की बहार सी। असी तो सोच भी नहीं सकते कि शराफत की चार दीवारी च रहने वाला पुत्र एक दिन एडा वड्डा बदमाश बन जाएगा एडा वड्डा बदमाश बन जाएगा। मुजाहिद मेरी जान बोसकी हस्पताल दे जिस कमरे च मैं अपनी मां का दाखला बंद कर दिता तू इत्थे की रहना है। वे सानू जिस वेले पता लगे है असी तो उन्हें पैर से नसे आए हाँ तो तू कहना है कि मैं इतने की लैन आई हाँ किसे दुश्मन नाल पाई हुई दुश्मनी भी बीमारी है बंदे नू लग जाए ते उन्हें इश्क भी भुला देती है। वे दुनिया विच इश्क तो वड्डा भी मरम कोई नहीं जेड़ा इक्को चुटकी नाल बंदे दे सारे जख्म भर देता है। Thank you.
तेरा कसूर हो गया कि अज पुत्र ने सानू वेख के अखा फेर लिया ने। मां जड़ी अखा किसी मिलान के काबिल ना हो अखा बंद करके मुंह फेर लेना चाहिए। मैं जानी हाँ पुत्र ने इन तेरा कोई कसूर नहीं। सालमा का हथ फड़न दिया ने किया तेरे गल च सोलह का हार बन गई ने। यही गल तुम साडे अब्बा जी ने क्यों नहीं समझाते जिन्हां ने पुत्र के घर के दरवाजे हमेशा लिए बंद कर दिते ने। तेनू किवें समझावां पुत्र ने कि उस सारी रात तेरी याद च पाला वगू पिलक पिलक के रोंदे ने ते सवेर दा सूरज चढ़दे अपने रब दा घर बणाउण उसी दीआं इट्टां लाणियां शुरू कर दिंदे ने। मां जी फिर तुसीं अब्बा जी नूं इह कहि दिओ कि ओह अपने पुत्र ते घर दे दरवाजे उदों तक बंद रखण जद तक उहनां दा तारिक बख्श शहर च बदमाशी सवां नहीं लैंदा। मुजाहिद प्राचा थानेदारा मशूक वंगो दुश्मन दी याद बड़ी सतांदी हो कोई एहो जा चू मंत्र कर कि मैं सीधा बट दुश्मन को जेल पहुंचावा। मैं बगैर जुर्म तो किसे नु जेल केवे तोड़ सकना वा। मुजाहिद प्राचा फिर वेखिया मेरा जंतर मंत्र नच दी दुनिया नचाण आला चाहिदा कट परचा ते चढ़ा मैनु जेल खाने की पटरी ते। सदा ना बाग बुल बुल बोल सदा ना बाग बहारा सदा ना हुस्न जवानी सदा न सो बस यारा सदा न बाग बट दुश्मना एहो जे गौन ते बंदा मौत दा मंजर किताब पढ़न तो बाद गांदा ते सुंदाई। मैं ते समझा सा कि तेरा चेलम भी हो गया होना पर लगता है कि तेरे बख्त लिखन वाले ने ए लिखे कि तू दो बारी मर के कब्र च जाएगा। Thank you.
चलो अपने मुसल्ली वाक बैत खिंच के मारे मेरे पिंडे नु तेरे बैत की चुम्मी का कोई स्वाद नहीं आया। बैंता दी सेट ने तेरा अंदर पेटा हिला दिता है ते तू कहना के तेनू स्वाद ही नहीं आया। तू सुनया कि जात के हर कश्मीरी बट दिया ढाई पसलियां वध होंदिया ने ओ पावे टुकर होवे ते पावे बैंत खांदा सब तो ज्यादा ही इस मम्मी डैडी तमाश नूं ते गशी दा दौरा पै गया ही उन्हें दे खाते दे बैंत भी बख्त बादशाह दे खाते च पा देवे। ए हुक्म दी तमील करो सिकंदर पराचा अपने पुत्र की मैं जमानत करा ली है उन्हें बड़े बेइज्जत तरीके नाल जेलो बाहर लिया। और जितिया और साढ़े उस्ताद लावे दे कमरे दिया वही सजावटा वही बनावटा भाई आप कितने टुर गए हो। बट बादशाह ए जेल ते उस्ताद लावे दा दूजा कार है। अंज कहना कि उस्ताद जेल नु अपनी कंजरी मशूक समझदा है जदों घरों ची बर जाए अपने इस मशूक की गोदी च आके बह जाता है। सलाम बट बादशाह। और तू कौन है? बट जी मैं कभी शहर की मशहूर फैक्ट्री ग्रैंड बैटरी का मालिक सा। किस गल दे सकते पैग ने पुलसियो बिल्लो ने बारूद वाले नहीं लाड़े दी कोड़ी अगे चलन वाले बम चलाए ने फटोवे लाड़े नू बार पंजाब का शेर पिंजरे सोना नहीं लगता। बिल्लो अज कच बच के अपने शेर नू कचहरी दे बुवे तक ले जाएगी। ओए हवलदार पंगी बाहर कड्डो बट बादशाह नू इस जग विच कंजरी तो वड्डी मैं होनी नहीं वेखी। वाह बिलो वाह मन गया तेरे इश्क दी इंतहा नूं। Thank you.
अदालत 2 लाख के जातीम चलते पर मुलजम तारिक भट्ट की जमानत मंजूर करती है। पराठा साहब, केबल प्रोग्राम हाजिर है, इतना जाने वाली सीधी मेरे वालों से। गोरी भाई, मेरे पुत्र दे रग रग च तेरा इश्क रच गया है। इश्क नहीं, मेरे नाल एक रात गुजारन दी मस्ती उन्हों खारिश कर दी है। ते फिर फड़े चेकबुक ते अपनी कीमत अपने हाथों नाल भर ले। पराचा जी, कंजरी दे कोल बुढ़ापे ते जवानी दे विचकार एक राती ते हुंदी है, जिस रात दी ओ कीमत सारी जिंदगी खांदी है। ऐ गल ते सोने दी हरफा नाल लिखनी चाहिदी है। असी तेनू अपने कर दी नूह बनावांगे। प्राचा जी, हां, इन सिकंदर पराचे दा कॉल समझी। ते फिर पराचा जी, तुसी अपने कॉल ते कायम रहना। Thank you.
सिर चुका के अपने हुसन दी सेज सजाई लईए ते फिर आ ते मियां मिठू नू चूरी खुआ। वे मैं तेरे प्यो दी जुबान चो निकले कॉल सुन के क्यों मैनू अपने कार दी नू बनाएगा? तेरे पैरे च अपनी अखां बिछाइया ते तू मैं तेरा ओ हशर करांगा के पूरे बाजार दी कोई भी कंजरी किसे शरीफ कर दी नू बनन दा सफरा नहीं वेखेगी। गवर्नर तो कट चली ना बजाई कंजरी है, आज जैसी तेनु साड़ के सुहा कर देना है। पराचिया, जे अपनी इज्जत ले जान कुर्बान करने वाली कंजरी नाल मैदान लाई लियाई ते फिर सानू सड़न दा ते तेनु सड़न दा ते फिर कोई ते मुल मिलना चाहिए दा है। कंजरी है गोरी, तेरा मुल सिर्फ माचिस दी एक तीली है। जिन्ने तेरे वजूद नु सार के सुहा कर देना है। देख रहा है कंजरी है ना, इस तेन बचा ली है इस बाजार का कोई दल्ला आया है ते ना ही इस परे शहर चो तेरा कोई चमका। प्राचिया बदमाशी दे महकमे आई जी पंजाब तारिक भट्ट तेरे वट कड़न आ गई। बाजार दिया सारिया तवाइफा ने साढ़े आई जी साहब नू इस्लामाबाद तलब कर लेना सी। बेस्ट ऑफ लक। बट बादशाह, तू साड़ी जिंदगी ते एहो जा एहसान किया है। बिल्कुल ठीक है,
जाहिर प्राचा मेरे लिए ओ हीरा निकलिया है जिन चट के सिर्फ मौत आनी सी। काश इना प्यार बड़ बादशाह किया हों तो यह जार जिंदगी ताजमहल बन गई होंगी। ऐ तो तू मेरे दिल की गल की हूं मेरी जिंदगी का फैसला भी सुन लै कि मैं भी सारी जिंदगी बट बादशाह के नाम की माला जपती रहूंगी। सोकना बनन का सुपना देखने वाली हो अपने बट बादशाह की रजिस्ट्री सिर्फ इस पटनी ने करवाई हुई है। तुसी सिर्फ साढ़े ब्याह से या किसी जश्न से मुजरा कर आ सकती हो। बोलो बट बादशाह इश्क करने का हक सिर्फ तैनू है। असि तो सिर्फ वो जिंदगी दी दुआवां मंगण वालियां दीवानियां ते बस उस वेले दा इंतजार कर रही हां कि कदों तेरा बट बादशाह आके मुजाहिद सराचा वर्गी बदनीयत नूं नथ पा के रिछ वांगू निछांदा है। बस कर पियो बस कर गोरी बाई सिर्फ मेरी जिद सी। पर इहनां ते सोच कि ओह इक कंजरी सी। चुप कर जा मां चुप कर। अज तो बाद जे तू मेरे किसी फैसले कंध बड़ी ते मैं तेरे अदब ते तेरे इकराम की हद भी टप जाऊंगा टप जाऊंगा। मैं माफ करती हूं प्राचा जी दुनिया दिया जिन्या मावं प्यो औलाद के सामने अख नहीं करने का हुक्म दिंदिया ने एक दिन आ भी बेअदबी की सूली चढ़ गई ने। खबर मैनू चेलो आ गई सी। मेरे भरा ने इस फैक्ट्री का आधा हिस्सा तेरे नाम ला दिता है। पर खबर तेरे तक क्यों नहीं पहुंची कि जात तक कश्मीरी होवे ते अद्धी खा के रज जाए। इस फैक्ट्री से सिकंदर प्राचे की ताकत ही छाए। जिंदा रह पुत्र तू मेरे पुत्र के खून का बदला लैके इंसाफ का तोल पूरा कर दिता है। बुजुर्गो साढ़े इंसाफ का एक और तोल वेखो। अज तो मैं फैक्ट्री ताड़ी है। नहीं आए रहन दे सानू तेरे बच्चों का ख्याल आ जाता है। अरे हथकड़ी लाओ। ओए हवालदार पंगी हथकड़ी लाओ इनू। तारिक दी मां जी तारिक दी मां तैनू लख लख मुबारकां होण। खैर मुबारक। इस शहर नू अपनी बदमाशी दी अग नाल साड़न वाला सूरज अज डूब गया।
चाहते थे कि जिस पुत्र इस जमाने ने धक्के मार के पत्थरपति बदमाश बना दिया से उन्हें बदमाशी छोड़ देती है। सुबह तो पलिया शाम तक घर आ गया ना, घर वापस नहीं आया। पूरे शहर को अपनी ताकत का टैक्स वसूल करने वाला एक कमजोर सूफी शफी मोहम्मद का पुत्र ग्रैंड बैटरी से कब्जा करके जेल टुर गया है। तेरा पुत्र एक ऐसे सफर का मुसाफर बन गया तारिक दी मां, जिथे जान जान हुंदा है, आन आन नहीं हुंदा। ते हुन थाने जेलां ते अदालतां ओदा हमेशा लई नसीब बन गया है, हमेशा लई नसीब बन गया। नुस्खा तू पंजाब की बदमाशी की तारीख इस ना कभी वेख्या होना है तो ना कभी सुनिया होना है। एक फोन कर लें दे बट बादशाह, पैसे होने जेल च पहुंच जाएंगे। फोन दे रहे कर, फोन करके 20 लाख मंगा लै। 20 लाख? हाँ, 10 लाख असल ते 10 लाख तेन इतने लियान का मुल। ठीक है बट बादशाह। हेलो, 20 लाख ते 10 हजार रुपया फटाफट भेज दो। 20 लाख बट बादशाह का, 10 हजार मेरिया पटिया पुटिया का, खूब जमया माने बट जिन्हें कट दिते ने मेरे वाले बट। चिलरा, इस 20 लाख दिया बाजार तो बाइया मंगा, जशन होएगा। ठीक है बट बादशाह। एक मुजरा बट बादशाह नाल भी बह के वेख, बाजार दिया नक बाइया की जोड़ी जेल च मुजरा करना रही है तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए। Thank you.
दुश्मन की सजाई महफिल च न चाहिए। ऐसे लिए तो कहना नचान आना चाहिए। सुन मुजाहिद पराचा, बाद बादशाह ने जात दी इस कंजरी ने ओ इज्जत बख्शी है। साढ़े बख्त जाग पैन जे साड़ी जिंदगी उस जिदार दे सिर दा सदका बन जाए। ते तेरे सुफरे दी ताबीर असी तेनु बख्श देने आ। सदका बन साढ़े दुश्मन दे सिर दा, शायद ओदी जिंदगी दे दो चार सा होर वध जान। السلام خير من النوم.
सूफी जी, सूफी जी, सूफी जी, आज खुली अखा ने केड़ी गुड़ी नींद सो गए हो? देखो नहीं सही, आज थोड़ी थान से कोई होर जान पे देंदा है। सूफी जी कुछ तो बोलो, किधरे पुत्र की मोहब्बत, प्यो की बदमाशी के गम ने तुहाडे कलेजे नूं खरोच के ते नहीं खा लिया? मां तो बस पुत्र से अपनी मोहब्बत ते शफकत दे खजाने लुटाने ने प्यो नूं कसा आके अस्ती तमास ते नहीं कसा करा गई। सूफी जी, सूफी जी, सूफी जी, जैसी यतीम हो गए, साडा पियू साडी झूठी बदमाशी दिया कहानियां सुन सुन के साडे कोल रुस गया, साडे कोल रुस गया, साडे कोल रुस गया, और रुसे हो प्यो पुत्र दी सलाह ते करवा दियो, रुसे हो प्यो पुत्र दी सलाह ते करा दियो, और रुसे हो प्यो पुत्र दी सलाह ते करवा दियो, और रुसे अबा जी, अबा जी, ओ वेखो अबा जी जान लूंदी पई सी, उठो अबा जी, उठो अबा जी, उठो, जान नहीं देनी से अबा जी, नहीं मैं तानू वजू कराना अबा जी, मैं वजू कराना तानू, उठो अबा जी, तुसी जान नहीं देनी, उठो अबा जी, अबा जी उठो, मैं तानू वजू कराना, तो तुसी सारे हाथ जोड़ के ना कोलो जान दो, तुसी सारे हाथ जोड़ के ना कोलो जान दो, जोड़ दो, ओ एक जान दो जोड़ो, अबा जी अपने तारिक नु माफ कर देना, अपने तारिक नु माफ कर देना अबा जी, अपने तारिक नु माफ कर देना अबा जी, अपने तारिक नु माफ कर देना।
नचदी दुनिया नचाण आला चाहिदा है। चलो तेनू रब प्या बुलांदा है। सत्वें आसमान ते होवे तां जमीन दी किसे खोडे च होवे तां अज तेरा हशर वेख के बट्टा दा बच्चा बच्चा प्राचिया ने अपना प्यो मनेगा बटा। जूस कह रही है दुनिया के मंगिया मौत नहीं आती और दिल नाल मंगिए ते आ जाती हो।
के तई बटा जेड़ा तू आप ही अपनी मौत दे जिन पूछ लो चप्पा पाड़ आ गया है नहीं ते पुल से गड्डी ची तेरी कबर दा चाकटा बुला देना थी एक निका जहा कम सी दुश्मना उस्ताद लावे दे सिर दा बदला लैन तो बाद तेरे प्यो नु भी कुत्ते दी मौत मार के आया बच्चा ने अपनी बहादुरी का मैदान ला ही लिया तो फिर ओदी बिल्लो पीछे की रह सकती है बट बादशाह के सामने एक मां का खून करें किवें हो सकता है मुझे पुत्र
ਵਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਵਲ ਤੇ ਕੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤੱਕੀਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। ਸੁਣਾ ਉਹ ਵੀ ਵੇਲਾ ਅਸਰ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਅਸਰ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਲਾ ਅਸਰ ਦਾ ਹੀ ਇਹੀ ਰੱਬ ਅਰੇ ਲਾ ਇਲਾਹ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਆਖਰ ਸਮਝ ਆਏ। ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ।